गुरु की शरण में जाना बहुत ही बहुत बहुत मुबारक के पात्र होते हैं जो गुरु की शरण में चले जाते हैं, गुरु के चरणों में अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। सब कुछ निछावर करने का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से आप अपने आप को किसी काम के लायक ना समझो, नहीं, कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। हाथ दिए काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, आँख दिए है दुनिया देखो और पैरों से चल के सेवा करने के लिए। तो गुरु की शरण में जाते हैं जो, वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। मगर कुछ हम कई जगह भूल कर बैठते हैं कि गुरु है क्या, गुरु वास्तव में है क्या। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो हैं गुरु को शरीर ही समझते हैं। वास्तव में गुरु शरीर अगर है तो हमारी मनोकामनाएं, इच्छाएं, हमारी परेशानियां दूर कौन करता है? ये बहुत ही सोचने का विषय है। हमारा गुरु ये अंगसंग जो है परमात्मा, हमारा गुरु ये है। और जो शरीर है वो और ये एक ही है। मगर कहते हैं कि गुरु को कभी कदापि शरीर से, हम कहते हैं कि जब शरीर से हम जुड़ जाएंगे ना तो शरीर सीमित होता है। आपने देखा हमारा शरीर कितना बड़ा, हाथ कितने बड़े, आँख कितनी बड़ी, मतलब सीमित। और गुरु अथाह सागर है, अथाह सागर है, वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। कि जहां देखोगे आपको गुरु नजर आएगा। कैसे, किस रूप में? तो शरीर रूप में गुरु सिर्फ हमें संबोधित करता है और हमारी रक्षा करता है अंश अंग इस अपने विराट स्वरूप में। तो कहते हैं कि गुरु को शरीर जो समझते हैं, कदापि गुरु को शरीर न समझे। अन्यथा आपकी हर एक चीज, ख्वाहिशें, इच्छाएं जो भी हैं, जो भी हमारी समस्याएं हैं, हमारी वाई वाई है, सब कुछ सीमित हो जाएगा। और जो गुरु को शरीर ना समझ के अंग संग असीमित अथा सागर गुरु, ये परमात्मा है, जिसने समझ लिया उसकी दुनिया में वाई वाई होगी। जिधर देखो उधर गुरु है, जिधर तराशो उधर गुरु है, जिसमें देखो उसमें गुरु है, हर एक में गुरु है। तो गुरु शरीर कैसी है? गुरु शरीर नहीं है वास्तव में। अभी एक बार पिछले साल हमारे वहाँ एक हमारे पड़ोसी हैं, तो वहाँ उनके कोई गुरु हैं, तो बहुत ही मतलब हर साल वो भजन कीर्तन करवाते हैं, गुरु की चौकी लगवाते हैं। तो एक शब्द सुना कि हम तो सोचते यार हम निरंकारी हैं, मगर यहाँ देखो कितनी बड़ी बात कह दी। इतनी बड़ी बात कह दी उन्होंने कि जो गुरु को शरीर समझता है ना, उसका दुनिया में कोई भला नहीं कर सकता, कोई भला नहीं कर सकता। जो शरीर समझता गुरु को, उसका भला करने वाला दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। बस इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, परेशानी दूर हो जाएगी, मगर भलाई नहीं होगी, भला नहीं हो सकता। गुरु आपका अंग संग रहता हमेशा, 24 घंटा, 365 दिन, जहां जाते हो गुरु आपके साथ होता है। तो गुरु शरीर कैसे, गुरु शरीर कैसे? अगर गुरु शरीर है तो आपके साथ नहीं है, गुरु शरीर है तो हर जगह नहीं है। गुरु शरीर नहीं है, वो एक माध्यम हमें समझाने के लिए। हम अगर यहाँ बैठे वीडियो बना रहे हैं और आपसे कुछ हम बात कर रहे हैं, अचानक से यहाँ आवाज आ जाए तो हम डर जाएंगे, हम यहाँ से भाग जाएंगे। तो गुरु को शरीर ना समझे। गुरु आपका जो है इस निरंकार है, निरंकार है, और निरंकार जिधर देखो उधर निरंकार है। इसीलिए हमारे कार्य बहुत आसान हो जाते हैं जब हम इसको गुरु मान लेते हैं। ये हमारे अंग संग रहता है, यही हमारा गुरु है, यही परमेश्वर है, इसी ने सारे काम बनाने हैं। तो हम क्या, हम कभी परेशानी में आ ही नहीं सकते। तो वीडियो कैसा लगा, छोटा सा वीडियो बनाया आप सभी के लिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं।